आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हमें, अ लॉन्ग वायर इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई आर बाय टू एंड आर रेस्पेक्टिवली कैरीज अ स्टेडी करंट आई इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लेंथ। दिस करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 3 आर बाय 4 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर इज एम टाइम्स यू नॉट आई बाई पाई आर। देन द वैल्यू ऑफ एम इज, यहाँ पे दिया हम लोग एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, वो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर का फॉर्म में कुछ ऐसा, ठीक है। तो जो अंदर का रेडियस है वो क्या है, आर बाय टू। ये जो है इसको ऊपर हम लोग व्यू से देखते, ऊपर से टॉप व्यू, तो ये हो जाता है हम लोग का आर बाय टू और ये हम लोग का है आर, ठीक है। तो इस पर करंट जो है, मान लीजिए कि स्टेशन करंट है टोटल आई, यानी कि यहाँ से आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है एट डिस्टेंस 3 R/4, यानी कुछ यहाँ पे, थ्री आर बाय फोर पे। तो ये क्या होता है, मान लीजिए जो करंट जो है वो डिवाइडेड है किस पे, मतलब सिग्मा निकालते हैं हम लोग करंट पर यूनिट एरिया। तो ये क्या होगा, करंट क्या इसका आई है और एरिया क्या इसका पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर बाय टू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू आई बाई पाई आर स्क्वायर 1 - 1/4, यानी 3/4 I/3 πr², ठीक है। ये हो गया हम लोग का सिग्मा, हो गया हम लोग का करंट पर यूनिट एरिया। तो हम लोग क्या निकालना था यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 3 R/4 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो क्या होता है, हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्मूला B·dl(U₀ I)enclosed, ठीक है। एम्पीयर सर्किट लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए B जो है अंदर की वायर की वजह से जो होगा, क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन है तो सब इस डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, हर पॉइंट पे एकदम नॉर्मली ऐसा होगा, ठीक है। तो एंगल क्या है B वेक्टर और DL वेक्टर में, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा B इंटू DL इंटू कॉस 0, ठीक है, इंटीग्रल। तो ये हो जाता है हम लोग का 1 इंटीग्रल B DL। अब क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है 3 R/4, तो हर जगह क्या होगा, B होगा, ठीक है, सब जगह B ही होगा, तो ये कांस्टेंट होगा। तो ये हो जाता है B इंटू इंटीग्रल DL। तो B टाइम्स इंटीग्रल DL क्या होता है, इंटीग्रल DL होता है हम लोग का इसका टोटल लेंथ, यानी कि B इंटू 2π 3 R/4, ठीक है। ये हो जाता है इस इक्वल टू U₀ × I(enclosed। तो I(enclosed क्या होगा, I(enclosed इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, विच इज इक्वल टू सिग्मा क्या हम लोग का है, सिग्मा इज इक्वल टू 4 R/3 πr² इंटू पाई 3 R/4 का स्क्वायर माइनस R/2 का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा हम लोग का 4 I/3 πr² इंटू πr² इंटू 9/16 - 4/16, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये जाएगा 4/16, यानी ये हो जाता है 4 I/3 πr² टाइम्स πr² इंटू 5/16, ठीक है। तो πr² कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4, तो ये होता है 5 I/4 × 3 = 12, ठीक है, 5 I/12। तो हम लोग को निकालना है B। तो B क्या हो गया यहाँ से, तो यहाँ से B नेट इज इक्वल टू, देखिए B इंटू 2π 3 R/4 इक्वल्स U₀ × 5 I/12।
तो ये होता है 3 times, ठीक है। और यहाँ पे ये है, तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ से बी नेट इक्वल्स यू नॉट आई इंटू 5/9 into 3 into 3 9 into 18, 18 pi r, ठीक है, 18 pi r। तो हम लोग का बी नेट क्या हो गया, 5 u0 i/18 pi r। तो ये हम लोग को लिखा हुआ m into u0 i/pi r के फॉर्म में, तो यहाँ से m क्या हो गया, m इज इक्वल टू 5/18 आंसर। तो हम लोग का m का वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ m इज 5/18। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।